जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का मेरा वीडियो दो पार्ट में, पहला पार्ट आया भूकंप मचा हड़कंप, दूसरा पार्ट पकड़ा गया रावण लेकिन अभी भी फरार दुर्योधन और दुशासन। जी हाँ, थंबनेल के टाइटल से ही आप समझ रहे होंगे कि वीडियो में मैं क्या बतलाने जा रही हूँ। दरअसल आज सुबह तड़के शुक्रवार यानी 16 अगस्त 2024, आज़ादी का अभी एक भी दिन नहीं बीता ठीक से, सुबह तड़के आया ताइवान में भूकंप, एक नहीं बल्कि दो। पहला 4.5 का, सेकंड 6.3 का। जी हाँ, दो भूकंप एक के बाद एक मचा हड़कंप, क्योंकि जापान ने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है कि आने वाले समय में बेहद खतरनाक भूकंप 8 या 9 मैग्नीट्यूड का आ सकता है। इसके लिए बार बार वो अलर्ट रहने के लिए लोगों को कह रहे हैं। वैसे भी साइंटिस्ट भी कह रहे हैं ये बार बार एक ही जगह पर भूकंप का आना, ये आने वाले समय की खतरनाक चेतावनी को दर्शा रहा है। इसलिए सिर्फ जापान और ताइवान नहीं, बल्कि जहां कहीं भी लोग पहले भी भूकंप के झटकों को सहन कर चुके हैं, देख चुके हैं भूकंप के द्वारा हुए हादसे को, अब सभी जगहों पर भूकंप को लेकर एक दहशत फैल गई है कि आने वाले समय में एक ऐसा भयंकर भूकंप आ सकता है जिनके कारण भारी जनहानि हो सकती है। लेकिन अब भी लोग बच रहे हैं। जी हाँ, भूकंप तो आ रहे हैं, झटके भी लग रहे हैं, धरती भी डोल रही है, लेकिन अब भी समय है ताकि इंसान खुद में सुधार करे और बच जाए उस आने वाली भयंकर बड़ी प्राकृतिक आपदा से जो शत प्रतिशत आने वाली है, यानी उससे कोई भी मुकर नहीं सकता, उसकी अनदेखी कर ही नहीं सकता। ये तो रहा पहली बात। लेकिन दूसरी बात जो बतलानी ज़रूरी है वो ये कि जिस कॉलेज में बहुत घृणित घटना हुई कोलकाता के, उस कॉलेज के प्रिंसिपल अब पकड़ में आ चुके हैं। सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, जो अब तक पर्दे के पीछे छिपकर बहुत घिनौनी हरकत करे किया उन्होंने, प्लस अभी भी वो अपनी शातिर चाल से बाज नहीं आ रहे थे। ममता सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस प्रकार संदेश खाली का रावण पकड़ा गया, उसी प्रकार मेडिकल कॉलेज का भी प्रिंसिपल यानी वो रावण, वो भस्मासुर पकड़ा गया, जो कि अब तक लोगों की नज़रों से छिपकर बैठा हुआ था, प्रमोशन ले रहा था। एक तरफ तो रिज़ाइन उस मेडिकल कॉलेज के पद से, दूसरी तरफ उनको प्रमोशन दे दिया गया ममता सरकार के द्वारा। तो सवालिया निशान और फटकार जब हाईकोर्ट की तरफ से लगी, तो सीबीआई भी अब फुल एक्शन में आई है, क्योंकि मॉब का जो अटैक हुआ बहुत भयंकर 14 अगस्त की रात को, जिसके कारण आज ये अवस्था है कि मरीज टेंशन में हैं, क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं लागू, बाकी सब कुछ ठप। अब डॉक्टर्स जब सड़कों पर उतर आए हैं तो बार बार या तो किसी नाटक के माध्यम से वो बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस रात क्या हुआ था, अपना आंदोलन जारी रखते हुए कार्डबोर्ड में लिखी गई बातें वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं ताकि सब लोग मिलकर डॉक्टर्स का साथ दें, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इंटरवीन करे और कुछ न कुछ ऐसे डिसीजंस ले जो डॉक्टर्स को सेटिस्फाइड करे, अन्यथा ये हड़ताल जारी रहेगी, ये आंदोलन भी चलता रहेगा। तो अभी तो भयानक सच से सामना होना बाकी है। अभी तो और रेप कांड के आरोपी, जो रेप पीड़िता के घर वाले हैं, उनके माँ बाप ने अभी और भयानक खुलासे किए हैं। उन्होंने कॉलेज के जो उनके को डॉक्टर भी थे उनके भी नाम लिए हैं, प्लस कॉलेज प्रिंसिपल को भी उन्होंने घसीटा है इस कांड में, प्लस दो चार और लोग जो कि कॉलेज में काम करते थे उनके साथ में
रेप पीड़िता के साथ में काम करते थे उनका भी नाम लिया गया है। अब एक के बाद एक ये चक्रव्यूह किस तरह से फंसते चले जा रहे हैं। भगवान कल्कि ने असुरों को फांसने के लिए अब जो चक्रव्यूह चला दिया है, उस चक्रव्यूह में अब एक के बाद एक आप देखते जाइए किस तरह से असुर फंसते चले जा रहे हैं। आज एक का नंबर तो कल दूसरे का नंबर, एक से एक भयंकर खुलासे। देश शर्मिंदा है, बाहर बैठे लोग आज हमारे देश के सिस्टम पर ही सवालिया निशान खड़े कर रहे होंगे। आज जो हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, लेकिन उसके पहले ऐसे कुकृत्य होना और अपराधियों का न पकड़ा जाना एवं आधी रात को फिर से मॉब अटैक, हजारों की संख्या में डॉक्टर्स को आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या हमारे देश की रेप्यूटेशन बाहर जा रही है? आप जरा सोचिए, पूरी तरह से खाक हो रही है। जो हमारा भारत देश एकदम महान, हम लोग कहते हैं कि विश्व गुरु बनने की राह पर है, किस मुंह से अब कहा जाए? अब ये समय है जो बाकी बाहर जो बैठे हुए आका हैं उन्हें और मौके ना मिले फंडिंग करके हमारे देश में कुछ ऐसे और कुकृतियों को करने की। यदि सही समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कुछ ऐसे नियम और कानून बनाएं जिनके द्वारा अपराधियों को भी ऐसे अपराध करते समय डर का अनुभव हो, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा स्वतंत्रता दिवस के उनके स्पीच में, लेकिन ये बोलने से नहीं होगा, एक्शन का टाइम है। रिजल्ट चाहिए डॉक्टर्स को, क्योंकि वो काम पर लौटने को तैयार नहीं। अगर उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई तो भला वो काम कैसे करेंगे? तो अभी तो और भयानक सच से सामना होने वाला है, रहस्य अभी और खुलेंगे। ना जाने कितने रावण और कितने दुशासन और कितने दुर्योधन कलयुग में अब भी इस रेप कांड के जो दोषी हैं पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, भगवान कल्कि की नज़रों से कोई छिपा नहीं रह सकता। एक के बाद एक सब नपते चले जाएंगे, सब जेल की चक्की पीसेंगे, सबको फांसी होगी, क्योंकि अब जो समय आ रहा है बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का। गवर्नमेंट भी मजबूर होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी मजबूर होगी, और नहीं अगर वो ले सकते तो कुर्सी से नीचे उतार कर उन्हें फेंक दिया जाएगा। जी हाँ, अब जनता सड़कों पर उतर चुकी है, जाग चुकी है, अपने अधिकारों के प्रति उसे भी जागरूक होना है, वो जागरूकता अभियान भी फैला रही है। अब जब यूनिटी आ जाएगी तो गवर्नमेंट को भी न्याय करना ही पड़ेगा। भगवान कल्कि का भी जो चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना आसान नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो एक के बाद एक असुरगण अब फंसते चले जाएंगे। बहुत सारे किरदार अभी भी पर्दे के पीछे हैं जो अपने आप को बचाए हुए हैं, वास्तव में उस रात का, उस भयानक रात का सत्य, भयानक सत्य, निंदनीय सत्य अभी भी आना सामने बाकी है। लेकिन जितनी भी बातें सामने आ रही हैं उनको भी पकड़ना है। जिस पुलिस वाले ने इस मैटर को सुसाइड का नाम दिया वो भी अभी पकड़ से बाहर है। इसलिए मैंने कहा जितनी बातें की जाए इस कांड के ऊपर उतनी कम है। मेरे व्यूवर्स ने कहा कि आप सब बातें करती हैं लेकिन कोलकाता रेप कांड के बारे में आप बिल्कुल वीडियो नहीं दे रही हैं, कम से कम एक महिला होने के नाते आप तो उस पर कुछ बोलिए। जी हाँ, इसलिए मॉर्निंग का भी वीडियो मैंने वही दिया और अभी का भी वीडियो मैं वही दे रही हूँ। जैसे ही मुझ तक न्यूज़ पहुँचती है और मुझे लगता है ये सही बात है, डेफिनेटली मैं आप लोगों तक भी उसे पहुँचाती हूँ। तो पकड़ा गया रावण, क्या वो मास्टरमाइंड है या मास्टरमाइंड कोई और है? पर्दे के पीछे से कौन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है? अब वो समय है कि एक के बाद एक रहस्य की परतें खुलती जाएंगी। देखते रहिए भगवान कल्कि का कैसा भयानक चक्रव्यूह रच दिया गया है, जिसमें रावण, दुर्योधन, दुशासन, कौरव, असुरगण, भस्मासुर जितने भी हैं सब एक के बाद एक फंसते चले जाएंगे और निकलने का रास्ता एक भी नहीं मिलेगा।
फांसी दो फांसी दो। ममता सरकार को अब राम जी का नाम याद आ गया और रास्ते पर उतर पड़ी हैं जब प्रेशर आया। जी हाँ, जब प्रेशर आता है तो इसी तरीके से आता है और लोगों को फिर बोलना ही पड़ता है, फांसी की बात करनी ही पड़ती है। अभी भी बहुत सारे पॉलिटिकल टीम जो है चुपचाप बैठी हुई है, जितने भी राजनीतिक दल हैं सब बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी जो कहती थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अब मुंह में बिल्कुल फेविकॉल लगाकर बैठ गई हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट पर एक लाइन लिख दिया, बस हो गई उनकी ड्यूटी ख़त्म। मणिपुर में तो बहुत हमलावर थे वो मोदी के ऊपर, अब क्यों नहीं वो लोग जा रहे हैं कलकत्ता, जाना चाहिए, वहाँ पर डॉक्टर्स के पास बात करनी चाहिए। मणिपुर तो पहुँच गए थे, कांग्रेस की टीम पहुँची थी, खड़गे, राहुल गांधी, अब क्यों नहीं कोई पश्चिम बंगाल पहुँचता है? ना अखिलेश यादव, ना लालू, ना तेजस्वी यादव, ना कोई और, कोई भी नहीं जा रहा है। अब सब पर्दे के पीछे बैठे खेल देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। तो ऐसे लोग जो केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, अब उनका गेम ओवर प्लान भगवान कल्कि लेकर आए हैं। एक के बाद लेकिन एक खुलासे होते चले जाएंगे, जेल भरो आंदोलन, अब जेल के पीछे सारे असुरगण, और उसके बाद खत्म होगा ये झूठ जो बेनकाब होने वाला है और अब तक जिस पर पर्दा पड़ा हुआ, यानी असली मास्टरमाइंड जो अभी भी है वो कौन है, इस रहस्य पर से पर्दा अब भी उठना बाकी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।